भाई राम राम सभी को नमस्कार। और भाई आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में स्काउट गाइड कैंप के बारे में। तो हमें वहाँ क्या-क्या लेके जाना है, कैसे वहाँ रहना है। बाकी तो मैंने आपको सारा वीडियो में दिखाया था, बट पूरा आपको डिटेल में नहीं बताई थी मैंने कि वहाँ पे हम क्या लेके जाएंगे और कैसे हमारा रहना होगा। वो सब चीज़ मैंने आपको वहाँ दिखा दी थी कि हम कैसे रह रहे हैं। तो आज ही मेरे पास एक कमेंट्स आया था, वो पूछ रहे हैं कि दी हमें क्या क्या लेके जाना है। तो मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो हमें वहाँ की ड्रेस है, जो स्काउट गाइड की हमारी ड्रेस है जो आपने वीडियो में देखी होगी, तो वो लेके जानी है। और जिस किसी के पास भी वो ड्रेस नहीं है तो वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। मेरे पास भी नहीं थी तो मैंने भी वहाँ पे ड्रेस परचेज की थी, जिसके अपने को पैसे देने होते हैं। और पैसे मैं आपको मेंशन इसमें नहीं करूँगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा क्या फीस है और क्या है, वो आपको सब नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। और ड्रेस के साथ आप एक चीज़ जरूर लेके जाना, पेटीकोट। जो साड़ी के नीचे नेवी ब्लू कलर का पेटीकोट पहना जाता है वो जरूर लेके जाना, वरना उसके भी अलग से पैसे लगेंगे, क्योंकि वो तो सभी के घरों में मिल जाता है। जरूर लेके जाना, मैंने गलती कर दी थी, मैं नहीं लेके गई थी। तो आपने मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं ना कई बार पजामा पहने हुए थी, तो वो मैं पजामे के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। बट आप लेके जाना, और ब्लैक कलर के शूज लेके जाना, और जो ब्राउन कलर की जुराब होती है वो लेके जाना, उसके पैसे आपके बच जाएंगे। बाकी तो आपको वहां से लेना ही लेना पड़ेगा। ब्लैक कलर की अगर आपके पास स्वेटर है तो वो लेके जाना, अगर नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं है, आप जैसी भी है वैसी लेके चले जाना। ये तो हो गई हमारी ड्रेस। सेकंड, आप दो जोड़ी अपने घर के कपड़े लेके जाना, जो हम सूट सलवार घर पे पहनते हैं। ऐसे मत लेके जाना कि अभद्र लगे हमें, कि यहाँ से फटे हुए हैं, यहाँ से वो कट हो रहा है, ये फैशन है वो नहीं। अभद्र ना लगे शालीनता से, तो ऐसे कपड़े आप दो जोड़ी लेके जाना। नंबर तीन, दो ड्रेस अपनी ऐसी लेके जाना जो हम शादियों में पहनते हैं या डांस करते हैं तब पहनते हैं, फेस्टिवल पे पहनते हैं इस तरह की, क्योंकि वहाँ पे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा डांस भी हुआ था, वहाँ पे नाटक भी हुआ था, गाना भी गाया गया था। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं तो उसमें हम पहन सकें। और भाई मोबाइल अलाउ है, बट आप मोबाइल पे ज़्यादा समय ना बिताएं, और ज़्यादा समय बिताने का आपको टाइम ही नहीं मिलेगा मोबाइल पे तो। और एक मेरे इसको कमेंट्स में पूछा था मेरे को कि चार्जिंग की आप चार्ज कैसे करते हैं वहाँ पे। तो चार्ज हम हॉल में जहाँ बैठते हैं, जहाँ हमारे आपने देखे होंगे सांस्कृतिक प्रोग्राम है, नाटक है और गाना भी गाया गया था, तो वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट लगे हुए हैं। भी टेंशन लेने की जरूरत ना, ऐसे चार्जिंग पॉइंट लग गया हुआ है और चार्जिंग कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी तो लाइफ वहाँ पे शेड्यूल आपको पता नहीं है, मैं बता देती हूँ। सुबह भी उठते हैं, 5 बजे का टाइम है, बट मैं पहले ही उठ जाती थी और काफ़ी लड़कियाँ पहले उठ जाती थी। 5 बजे उठ के 6:30 बजे हम तैयार होके साड़ी पहन के फ्लैग पे आ जाते हैं, और वहाँ पे प्रार्थना होती है, कुछ सेवा कार्य करवाए जाते हैं 8 बजे तक। 8 बजे हमें मिलता है नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर 9 बजे लगती है क्लास, जो चलती है 12-12:30 बजे तक। फिर हम किचन में जाते हैं और अपने लिए जितना भी हमें ज़रूरत है अपने ग्रुप के लिए, तो उन सभी के लिए हम आटा लेके आते हैं, आटा लगाते हैं और रोटियां हम बनाते हैं वहाँ पे। आपको कोई सामान लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, खाना बहुत अच्छा मिलता है, सुबह नाश्ता बढ़िया मिलता है, दोपहर में सब्जी चावल सलाद मिलती है, शाम को भी रोटी और सब्जियाँ मिलती हैं। रोटी हमें खुद को बनानी है बाकी, और सब्जी हमें वहाँ पे तैयार मिलती है। शाम को 4 बजे नाश्ता मिलता है, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी और बेस्ट मिलती है। मैं ये नहीं कहती घटिया मिलती है, बहुत बेस्ट मिलती है भाई। तारीफ करते हुए आप थकोगे नहीं, इतनी अच्छा खाना मिलता है। और कॉपी पेन आपको वहाँ पे मिलेगा, पेन अपने लेके जाना, एक पेन खत्म हो जाता है तो पेन आप एक्स्ट्रा लेके जाना। और बिस्तर अपने हिसाब से लेके जाना कि सर्दी से आप बच सको, ऐसे बिस्तर लेके जाना, ये नहीं है पतला सा लेके चले गए, वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा है तो
सर्दी नहीं लगेगी, ग्रुप में सोएंगे। तो सब हॉल में सोती हैं, ये टेंटों में कोई नहीं सोता, सब हॉल में सोते थी लड़कियां। तो और अंदर से गेट बंद करके सेफ्टी, ऐसी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। और बहुत अच्छा एंजॉय किया हमने वहां पे, खूब मस्तियां की, खूब मजे किए। याद रहेगा स्काउट गाइड, कभी फिर कभी मौका लगा तो फिर कभी करेंगे। और भी प्रेम भाव से जरूरी है, वहां पे लड़ना झगड़ना नहीं है, अपने को प्रेम भाव से रहना है, मस्त रहना है बस। अगर फिर भी कुछ बताना बाकी रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगी। और भी इंजॉय कीजिए, कल आपका कैंप है तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, राम राम सभी को।